हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल वीजी एफएक्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो एडिटिंग के बारे में कि कैसे हम वीडियो एडिटिंग का यूज करते हैं और कैसे उस पर काम करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे एक प्रीमियर है, ये वाला पॉइंट प्रीमियर का है। यहाँ पे इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये आपका प्रीमियर यहाँ पे ओपन हो गया है इस टाइप से यहाँ पे। अब आपने करना क्या है, जैसे कि अगर हमें न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप जाएंगे फाइल में, या 2021 में आप जो ना नया भी आ गया है यहाँ पे भी आपके पास में ऑप्शन होता है ये वाला, तो आप दोनों ही जगह से यहाँ से भी न्यू प्रोजेक्ट का यूज कर सकते हैं। और इसको मैं स्केप कर रहा हूँ, और यहाँ से भी जाके आप न्यू प्रोजेक्ट का यूज कर सकते हैं इस जगह से भी। तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको, न्यू प्रोजेक्ट किया। अब जैसे कि न्यू प्रोजेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये विंडोज आ जाती है, ये वाली। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या देना है, नेम। यहाँ पे आप जाएंगे तो नेम देंगे सबसे पहले इस पॉइंट पे। यहाँ पे नेम दिया, जैसे मैंने आपको दे दिया वीडियो ट्रेनिंग, ये वीडियो ट्रेनिंग दे दिया है। यहाँ पर आपका ब्राउजर में आप जहाँ पर जाके अपना जो भी आपकी का फोल्डर है उसमें जाके आप यहाँ से जाके प्रोजेक्ट अपना सेव कर सकते हैं इस पॉइंट पे। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, थंब में सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, सिलेक्ट फोल्डर। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थंब का ये चीज़ आ गई है, थंब में जाने लग गया ये, है ना। ये लोकेशन आपकी आपने यहाँ पर सेट कर दिया थंब के लिए इस पर, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, जनरल स्क्रेच जो आता है आपका, यहाँ पर आपका जनरल स्क्रेच आएगा, यहाँ पर टाइम कोड आता है आपका, यहाँ ऑडियो सैंपल, और ये जो फॉर्मेट होता है डीवी और एचडीवी। तो यहाँ पे आपने हमेशा एचडीवी करना है क्योंकि आप एचडीवी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एचडीवी कर देंगे और इसको यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे इसको हमने कर देना है ओके। ये देखिए मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद में आपके पास में ये चीज़ ओपन हो गई है, ये मेनू आपका ये आ गया, ये प्रीव्यू मेन्यू हो गया, ये मेन मेन्यू हो गया आपका, और ये आपका आ गया इंपोर्ट प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन होती है, यहाँ से कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ये देखिए जैसे कि मैं एक यहाँ पर किसी फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेता हूँ ये। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि जब भी आप किसी चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको सिक्वेंस जो बनता है उसको सीक्वेंस बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, आपको सिर्फ एक टाइमलाइन पे ये ड्रैग करना होता है ये इस टाइप से, तो ऑटोमेटिक आपका ये इंपोर्ट हो जाती है फाइल। इंपोर्ट होने के बाद में क्या है, यहाँ पे टाइमलाइन आपके पास में यहाँ पे इस टाइप से आ जाती है दोस्तों। अब इस टाइप से टाइमलाइन आने के बाद में आप यहाँ पर जैसा मर्जी चाहे अपने हिसाब से काम कर सकते हैं दोस्तों, है ना। इसको जूम इन भी कर सकते हैं आप, जूम आउट भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा कि टाइमलाइन पे सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि मल्टीपल सीक्वेंस होता है, मल्टीपल सीक्वेंस में काम करने के लिए आपको न्यू प्रोजेक्ट, जैसे आपने बनाया है तो न्यू प्रोजेक्ट अब बनाने के बाद में आपने सेव करना है, तो यहाँ से जाके आप सेव भी कर सकते हैं, इसको साथ साथ सेव करते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताऊँगा और न्यू सीक्वेंस के बारे में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि मैं आपको हर वीडियो का अपडेट देता रहूं और बताता रहूं।